नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका यूपी उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र के पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी के परिवारवाद पर दिए बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, भाजपा सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोले हैं। मोदी सरकार कानून व्यवस्था ध्वस्त कर चुकी है, पुलिस कस्टडी में शरेआम हत्याएं हो रही हैं। सपा 2024 में भाजपा को हटाने का काम करेगी। देखिए, ये सब लोग झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और काम कुछ करते नहीं देश के लिए और जनता के लिए, कोई काम नहीं करते। अब इन्होंने एक नारा दिया है 9 साल के दिया है, अब हम इनसे पूछना चाहते हैं 9 साल में एक ही काम बता दो जनता के लिए, एक भी काम नहीं किया है, सब झूठ बोले हैं। वाराणसी में बकरीद को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट दिख रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। बकरीद के पर्व पर साफ सफाई किए गए हैं, साथ ही व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस द्वारा गश्त किया जा रहा है। कल लोगों से सड़क पर नमाज न करने की अपील भी की गई थी। देखिए, कल 29 तारीख को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा और बकरीद को लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। कई चरणों में हम लोगों ने धर्म के जो धर्मगुरु हैं, मुतवल्ली हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, इनके साथ बैठक की है। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली पुलिस इंश्योरेंस के नाम पर फर्जी लोन लेने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ज्वालापुर कोतवाली में 27 जून को अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक हरिदत्त भट्ट द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनकी शाखा पर 8 लोगों द्वारा 4 व्हीलर के नाम पर 70 लाख रुपए लोन लेकर पैसे हड़प लिए, और जो RC और अन्य कागजात बैंक में जमा कराए गए हैं वो सब फर्जी हैं। बैंक मैनेजर की शिकायत पर कोतवाली ज्वालापुर ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश के लिए ज्वालापुर पुलिस टीम गठित की, जिसमें कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ा गया, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जो वाहनों का नंबर चौपहिया वाहनों की फर्जी RC बनाकर वो ठगी का काम करते थे। एक 27 तारीख को अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के हैदर भट्ट जी हैं जो मैनेजर है वहाँ पे, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि बैंक के नाम पे लोन लेते हैं और उसमें फ्रॉड किया जाता है। इस पे CO ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर के को निर्देशित भी किया गया था और उसमें टीम का गठन करके एक गिरोह पकड़ा गया जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम पे लाता था। वहीं रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में चल रहे विश्व मंगलम महायज्ञ और अष्टादश महापुराण कथा के 10वें दिन 151 भव्य जल कलशों के साथ मंदाकिनी नदी से कथा मंडप तक यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इन जल कलशों में लाए गंगा जल से सभी देवी देवताओं का अभिषेक किया गया। आपको बताते चले कि अगस्त्य मुनि में आजकल विश्व शांति के लिए अष्टादश महापुराण कथा का 11वां दिवसीय आयोजन चल रहा है, जिसमें 28 विद्वान आचार्यों और 27 वेद पाठियों द्वारा हर रोज 18 पुराणों का कथा श्रवण और पूजा पाठ किया जा रहा है। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा, यहाँ पर जल यात्रा का बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर रखा गया। तमाम इस क्षेत्र की जितनी भी जो कीर्तन मंडलियाँ थी, महिलाएं थी, उन्होंने वो सुबह आकर के ही इस जल कलश यात्रा में उन्होंने प्रतिभाग किया और माँ नंदाकिनी के परम पवित्र पावन किनारे से ये जल यात्रा जो यहाँ पहुँची और यहाँ इस यज्ञ कथा मंडप से होते हुए इधर यज्ञ मंडप होते हुए और क्षेत्रपाल होते हुए मंदिर में गई।
वहीं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री जिला अधिकारी झांसी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर के द्वारा भेजा गया। तहसील प्रांगण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस भीषण गर्मी उमस भरी गर्मी में बिजली गायब है। अघोषित विद्युत कटौती, विद्युत विभाग को तानाशाही के चलते आम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों में बिजली गायब है। बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई पता नहीं है। जिले की बिजली राम भरोसे चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीण अंचलों में जर्जर तारों की वजह से आए दिन फॉल्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर फूक जाने के बाद भी समय पर ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में तीन तीन दिन बिजली गायब रहती है। विद्युत विभाग की लापरवाही से बिजली विभाग आंख में मिर्ची झोंकने का काम कर रही है। मामला गुरसराय नगर के वार्ड नंबर 18 कटरा मोहल्ले का है, जहां पर पैजल किल्लत से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। परेशान वार्डवासियों ने पैजल किल्लत को लेकर मोहल्ले में एकत्रित होकर महिलाओं और पुरुषों ने खाली बर्तन रख पानी को लेकर विरोध जताया। वार्डवासी आवेश त्रिपाठी ने बताया कि वार्ड में एक महीने से टंकी में पानी नहीं आ रहा है, जिससे वार्डवासियों के सामने पानी की किल्लत सामने आ रही है और जिस पानी की लाइन से मोहल्लावासी पानी भर रहे थे उसे पालिका द्वारा काट दिया गया है। इस अवसर पर विरोध प्रकट करने वाले मोहल्लावासी उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? ध्रुव सुशाम जी, बताएं क्या समस्या है? पानी की समस्या है यहाँ पे, हम आगे लगू तो कटवा दो नगर पालन में, उधर जाकर भैंसन हो तो पानी ले जा रहे। मेम्बर अपने दोबारे लगू आज तक 10 भैंसन बंदी सुबह सपरा रहे, हमारे पानी नहीं आके पानी भाई हम लोग चमारपुरी तो है नहीं है। वहीं अगली खबर तहसील गोरठा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूर्णिया का है, जहां पर स्कूल के पास लगे विद्युत पोल में कई दिनों से करंट आ रहा था, जिसकी सूचना ग्रामवासियों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दी गई, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते राम नरेश घोष की भैंस चारा चढ़ने के लिए स्कूल के पास पहुंच गई। वहीं पास में लगे विद्युत पोल में करंट आने की वजह से भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गई तो ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों का फोन नहीं लगा। ग्रामीण द्वारा शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की गई है। कहाँ नाम भैया आपको? दहीस। कहाँ के हो गया? पुरैनिया। कहाँ से होगा आपके? भैंस क्या खत्म हो गई लाइट से, कई बार जेई से शिकायत करी तो करंट आ रहा या मैं और जाके बाद भी सुनवाई नहीं करी। तो अभी तक कोई नहीं आया जेई में? नहीं आया कोई? जाके नहीं, कोई नहीं आया। लैंडमैन? लैंडमैन आया था तो देख के चला गया अभी। और शिकायत नहीं की आपने जेई वगैरह एसडीओ वगैरह से? वहीं हरदोई में किसानों ने पावर हाउस का घेराव किया। बिजली समस्या को लेकर पावर हाउस का घेराव किया गया है। बिजली कटौती बंद करने को लेकर किसानों ने मांग उठाई, साथ ही फूके ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग की गई है। पावर हाउस गेट पर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मामला हरबापुल क्षेत्र के पालिया पावर हाउस का है। हरदोई में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में आए धर्मगुरुओं के साथ 30 बैठक की गई। इस दौरान बैठक में आए समस्त धर्मगुरुओं से वार्ता कर शासन के आदेश निर्देशानुसार आगामी त्योहारों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट जारी करने वालों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो है बकरीद है, बकरीद के समय में जो है कहीं खुले में कुर्बानी जो होती है खुले में कुर्बानी ना करें और कोई ऐसा चीज़ ना फैले कि जिससे आरजक तत्व तो फैले, ऐसा कुछ ना होने पाए। और उसके बाद नमाज जो पढ़ा जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए डीएमएसपी साहब ने बताया है कि नमाज अगर ज़्यादा लोग है शिफ्ट वाइज पढ़ें जाएगा। 4 जुलाई से श्रावण का माह आएगा जो कि इस बार एक्सटेंडेड है 31 अगस्त तक का।
इसी मध्य मुहर्रम का भी पर्व पड़ेगा। चूँकि ये सभी सेंसिटिव त्यौहार हैं, इनके लिए पुलिस बल द्वारा और जनपदी पुलिस द्वारा भारी तैयारी की गई है। हमने जनपद को जोन्स और सेक्टर्स में विभाजित कर दिया है। साथ ही साथ जितने भी हमारी मस्जिद हैं और ये ईदगाह हैं, इनमें ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। आने जाने के मार्गों पर ड्यूटी लगाई गई है। अन्य विभागों से समन्वय किया गया है ताकि नवाजियों को किसी प्रकार की घटनाएँ न हो। वाराणसी में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के नाम पर पीड़ित का लाख दो लाख नहीं बल्कि 5.5 लाख रुपए ठग लिया। मामले की शिकायत भी साइबर सेल में हो चुकी है और FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आरोप है कि बजाय कार्रवाई के पुलिस मामले की लीपापोती में जुटी है, जिससे पीड़ित अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाने को मजबूर है। वाराणसी के भोजवीर इलाके के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह एक निजी स्कूल के प्रबंधक हैं। उन्होंने बताया कि अपनी जमा पूंजी उन्होंने एक कंपनी में जिसका नाम एंजल वन है डीमैट अकाउंट खुलवाकर कुछ मुनाफा कमाना चाहा, लेकिन वाराणसी में कंपनी के कर्मचारी पंकज सिंह ने बगैर उनको सूचना दिए ही उनके डीमैट अकाउंट से दो लाख तो उनकी पत्नी के डीमैट अकाउंट से 3.5 लाख रुपये निकाल लिए। इसका पता उनको तब चला जब बैंक से मैसेज आया। इसकी शिकायत साइबर सेल में करने वाले पर 6 महीने बाद जाकर पंकज सिंह और उनके मुंबई के साथी हितेश के खिलाफ साइबर सेल में मुकदमा भी हो गया, लेकिन मुकदमे में 2 महीने का वक्त बीत गया और कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं अपने और अपने पत्नी के नाम से एंजल वन नामक साइट है, डीमैट अकाउंट ओपन कराया जो है, और दो व्यक्तियों ने मिल करके हमारे उस अकाउंट को पूरा जो है खाली कर दिया, जिसका मुझे जानकारी SMS के द्वारा मोबाइल पर जब आया पता चला कि आपके अकाउंट खाली हो चुका है। वहीं बांदा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय फरियादी लेकर पहुंचे दिव्यांग बुजुर्ग की बात सुनने अपने कार्यालय से उठकर गेट पर पहुंचे। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा दिव्यांग बुजुर्ग ने बेटों द्वारा खाना न देने और मारपीट करने की बात अपर पुलिस अधीक्षक से रो रोकर बताई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बेटों से प्रताड़ित दिव्यांग बुजुर्ग की बात सुन संबंधित थाना अध्यक्ष को जरूरी निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग बुजुर्ग को पुलिस वाहन से उनके घर तक भिजवाया। वृद्ध आए थे आज समस्या लेकर, क्या समस्या थी और किस थाना क्षेत्र का मामला था? एक ग्राम घुमाई थाना तल्ला के थे। उनका कहना था कि हमारे बच्चे हमको खाना पीना नहीं देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। तत्काल उनकी समस्या को अटेंड किया गया है और उनको घर भिजवाया गया है और थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि इसमें उनके बच्चों को बुला करके और ये इंश्योर कर लें कि उनकी देखभाल हो और उनको खाना पीना। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।